नमस्कार, मैं कमला राम सेवक वैश्य, मैं 179 वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। मेरी निशानी है चलते वक्त आधार देने वाली छड़ी। मैंने काफ़ी सालों से लोगों के लिए समाज सेवा का काम किया है अपने वार्ड में, जैसे कि मैं घरेलू कामगार संगठन से जुड़ी हूँ। मैंने घरेलू कामगार बहनों के लिए पेंशन दिलाने का काम किया है, उनको मानदान दिलाने का काम किया है, उनके घरेलू समस्या सुलझाए हैं, उनके स्कूल जाने वाले बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया है, उनकी किताब कॉपी की जो समस्या है वो मैंने सुलझाए हैं, उनको दिलाने का प्रयास किया है, उनकी मेडिकल जो भी समस्या थी वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसका निवारण करवाऊँ, कोशिश की है और आगे भी करती रहूँगी। दवा पानी की जो व्यवस्था होती है वो भी मैं करवाती हूँ दूसरों के माध्यम से मिलकर। हमारी एक संस्था है जागो ग्राहक जागो, वो बहुत बड़ी संस्था है जिसमें मैं मुंबई अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हूँ, और उस संस्था के माध्यम से हमने लोगों को कम शुल्क में सेवा दिलाई है एम्बुलेंस की, जो कि दूसरे एम्बुलेंस से काफ़ी कम शुल्क में उनको सुविधा दिलाई है, और मुहिम शुरू है और जारी रहेगी। उसी परिसर में सायन हॉस्पिटल के परिसर में हमने एक ब्रांड है वाटर का, मिनरल वाटर का ऑटोराइज, जो आधे शुल्क पर मिलती है, जैसे कि ब्रांडेड दूसरे वाटर जो मार्केट में है पानी वो 20 रुपये लीटर मिलता है, हमारी कंपनी का जो ऑटोराइज ब्रांड का वाटर है वो 10 रुपये में हमने पेशेंट्स और पेशेंट्स के रिलेटिव को प्रोवाइड करवाई है। आगे हमारी इस संस्था से हमने लोगों के घरेलू समस्या सुलझाए हैं, पेशेंट्स को आधी रात को जब भी ज़रूरत पड़ी हमने उनका हॉस्पिटल में एडमिशन करवाया है, हेल्थ के हिसाब से दवाई की भी समस्या जो है हमने करवाई है, निवारण करवाया है, उनको एम्बुलेंस की भी शुल्क दी है, और ऐसे काफ़ी कुछ मुहिम है जो हम करते हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारा NGO एक ऐसा है जागो ग्राहक जागो का मतलब है, हमने लोगों को जागरूक किया है कि उनका हक क्या है, लोगों में जागरूकता लाई है कि उनका हक कहां से कहां तक है, और आगे हम उनको ये भी बताते हैं कि नागरिक की पहचान क्या होती है। और आगे मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आपको पता है आपका नगर सेवक या सेविका उनका काम क्या होता है? अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं आपको रोशनी डालूँगी उस तरफ कि नगर सेवक या सेविका का काम होता है कि अपने वार्ड का काम देखना, लोगों के समस्याओं का निवारण करना, जैसे कि वाटर, गटर, मीटर, लाइट बिल, राशन कार्ड, स्कूल के बच्चों का समस्या, एडमिशन की समस्या, स्कूल का, हॉस्पिटल, म्यूनसिपल, BMC वगैरह की। तो अगर ये आपका नगर सेवक काबिल है, करता है या नहीं करता, ये आपको बेहतर पता है। और 5 साल में आपके वार्ड में इतनी ताकत होती है कि आप 5 साल में एक नगर सेवक या सेविका को आप चुन कर देते हैं, तो क्या वो आपके काम पर खरे उतरते हैं? आपको पता है? नहीं पता है तो आप अपना सोच समझ कर अपना कीमती वोट एक ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो उस वक्त उस पर खरा उतरे। और आने वाली 21 तारीख को सुबह 7:30 से लेकर शाम के 5 बजे तक वोटिंग का दिन है, आप अपना कीमती समय निकाल कर अपना बहुमूल्य वोट वोटिंग मशीन पर जाकर चलने वाली छड़ी के निशानी के सामने वाला बटन दबाकर अपना बहुमूल्य मत मुझे देकर विजय कराइए ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।